अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आदम मलिक और आप देख रहे हैं आदम मलिक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सैमसंग गलेक्सी A9 की प्राइस और उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन दोबारा ना भूलिए लेटेस्ट मोबाइल फोन के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। चलिए बिना टाइम ज़ाय की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें स्नैपड्रैगन 660 का यूज़ किया गया है, जो है इसका एंड्रीनो 512 का जो इसका क्लॉकर पर बिल्ड किया गया है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लीजिए, तो इसमें सुपर एमोलेड का स्टेबलाइज स्क्रीन का यूज़ किया गया है, जो कि 16 मेगा का मुश्तमिल है और ये मल्टी टच सपोर्टेड है। अजमोबाइल फोन के साइज़ के बारे में बात कर लीजिए, तो वो 6.3 इंचेस का रेजोलेशन है इसकी 1080x2220 पिक्सल्स की। बिल्टन मेमोरी के बारे में बात कर लीजिए, तो वो 128 GB साथ में 6 या 8 GB आपको रैम देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको कार्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि 512 GB तक सपोर्ट करता है और इसके लिए आपको अलग से एक स्लॉट देखने को मिल जाएगी। कैमराज के बारे में बात कर लीजिए, तो बैक पे आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक है 24 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर 1.7, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर 2.4 है और ये अल्ट्रा वाइड लेंस है, तीसरा 10 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर 2.4 और ये टेलीफोटो है, और चौथा जो है वह 5 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर 2.2 है और ये डेप्थ सेंसर के लिए इस्तेमाल होता है। और फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें, तो फ्रंट पर आपको एक 24 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसका अपर्चर 2.2 है और HDR मोड आपको फ्रंट पर भी देखने को मिल जाएगा। अब मोबाइल फ़ोन के सेंसर के बारे में बात करें, जिसमें एक्सेलेरोमीटर, गैरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, फिंगरप्रिंट जो कि बैक साइड पर है आपको देखने को, ये सारे सेंसर मिल जाएंगे इसमें। अब इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात कर लीजिए, तो इसमें 3800 mAh की बैटरी है, जो कि नॉन रिमूवेबल और ये मोबाइल फ़ोन फास्ट बैटरी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब इस मोबाइल फोन के प्राइस के बारे में बात कर लीजिए, तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस अब तक फाइनली हुई, क्योंकि ये पाकिस्तान में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, तो जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बन रही है वो है 80,000 से 90,000 के दरमियान में। तो ये प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।